क्लास नाइन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। आज की हिंदी की कक्षा के पूर्व की कक्षा में हम सभी स्पर्श के पाठ आठ दोहे कविता का 1-6 दोहे वीडियो के माध्यम से पढ़ा था। आज मैं उसी दोहे का जो शेष पांच दोहे बच गए हैं उन्हें मैं पढ़ा करके आप सबों के पास वीडियो के माध्यम से प्रेषित कर रहा हूँ। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप सभी अच्छी तरह से इस वीडियो को, इस दोहे के अर्थ को समझ जाएं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी और मुझे पूर्ण आशा है, उम्मीद है कि आप सभी इस वीडियो को 2-3 बार अवश्य देखेंगे, समझेंगे और इसको समझने की पूरी चेष्टा करेंगे। तो आइए, आज की कक्षा में हम लोग दोहे का 7वां श्लोक से शुरू करते हैं, श्री गणेशाय करते हैं। 7वां श्लोक है कि नाद रीझी तन देत मृग नरधन हेत समेत ते रहीम पशु से अधिक रीझेहूँ कछु न देत। आप लोगों को मालूम है कि ये दोहे कविता जो है वो रहीम की रचित कविता है। तो इस 7वां श्लोक का अर्थ है, नाद का मतलब होता है आवाज़, रीझी मने रीझना, मृग मने हिरण होता है। इस पंक्ति के माध्यम से रहीम कवि कहते हैं कि एक हिरण पशु होकर के भी अपनी मधुर ध्वनि से शिकारी के ऊपर सब कुछ न्योछावर कर देता है। एक पशु होकर अपना सर्वस्व जो है शिकारी के प्रति, अपने पूरे शरीर को, तन को न्योछावर कर देता है। नरधन हित समेत मनुष्य भी अगर कोई कला से ओतप्रोत हो जाता है, कला के प्रति उसकी लालसा हो जाती है, उसकी इच्छा जागृत हो जाती है किसी कला के प्रति, तो कला पर सारा अपना सर्वस्व न्योछावर करने की चेष्टा करता है और न्योछावर कर भी देता है। वो धन की चिंता नहीं करता है, जिस पर उसकी इच्छा टिक जाती है वो सब कुछ उसके प्रति न्योछावर कर देता है, चाहे वो कोई भी सुंदर वस्तु क्यों न हो, उस पर सारा जो है धन दौलत सब कुछ न्योछावर करने पर विवश हो जाता है कोई भी मनुष्य। तो इस पंक्ति के माध्यम से रहीम कवि यही कहना चाहते हैं कि मनुष्य से तो मृग ही अच्छा है, कारण कि मृग जो है, हिरण जो है, अपनी मधुर ध्वनि से, नाद माने आवाज़ से अपने पूरे शरीर को शिकारी के प्रति समर्पित कर देता है। लेकिन कह रहा है कि नीचे की ते रहीम पशु से अधिक, पशु से भी बदतर स्थिति मनुष्य की है, उस मनुष्य की जो रीझे हूँ कछु न देत, जो किसी चीज़ से इंजॉय तो कर लेते हैं, या कोई मान लीजिए कि भिखारी ही आकर के बेचारा कलपता है, गिड़गिड़ाता है, कुछ अन्न के दाने मांगता है, फिर भी कुछ ऐसे मनुष्य हैं कि सारा संपत्ति अथाह होने के बावजूद भी उस भिखारी को डांट फटकार करके अपने दरवाजे से भगा देते हैं, उसको कुछ नहीं देते हैं, जबकि सारा चीज़ उनके पास मौजूद होता है। तो इस पंक्ति के माध्यम से रहीम कभी यही हम मनुष्यों के प्रति संदेश भेज रहे हैं, संदेश दे रहे हैं कि मनुष्य की अपेक्षा मृग ही अच्छा है, जो पशु होते हुए भी अपनी मधुर ध्वनि से सब कुछ जो है शिकारी के प्रति न्योछावर कर देता है। मनुष्य भी अगर किसी कला के प्रति उसकी लालसा बढ़ जाती है, उसके प्रति लालसा जागृत हो जाती है किसी कला के प्रति, तो सारा धन भी उसके प्रति गंवाने की चेष्टा करता है। लेकिन अगर कोई भिखारी आ जाए
तो सब कुछ होते हुए भी कुछ ऐसे कंजूस मनुष्य होते हैं जो कितना भी गिड़गिड़ाने के बावजूद भी उसे कुछ नहीं देते हैं। तो इस पंक्ति में मनुष्य की अपेक्षा मृग को ही रहीम कवि जो है वो श्रेष्ठ बता रहे हैं कि वैसे मनुष्य कंजूस जो सारे संपत्ति होने के बावजूद भी अगर कुछ मांगने वाले को नहीं देते हैं तो उनसे तो अच्छा एक मृग है जो अपने शिकारी के प्रति सारे शरीर को पूरे शरीर को न्यौछावर कर देता है। आठवां श्लोक है कि बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोए, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। मेरे प्यारे बच्चों आठवां श्लोक को ध्यान से सुनिए, कह रहा है कि बिगड़ी बात बने नहीं। रहीम कवि कहते हैं कि जो बातें बिगड़ जाती हैं वो कभी बनती नहीं हैं, लाख करो किन कोए, यानी लाख भी उपाय करने के बावजूद वो बातें बनती नहीं हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह से रहीमन फाटे दूध को, दूध जब फट जाता है तो उसको कितना भी हम लोग मथनी से मथते हैं मक्खन निकालने के लिए, घी निकालने के लिए, लेकिन वो निकल नहीं पाता है। आप सभी इस बात को भली भांति जानते हैं कि फटे हुए दूध को कितना भी हम मथनी से उसको मक्खन निकालने के लिए, घी निकालने के लिए मथते हैं, कितना भी देर तक क्यों न मथते रह जाएं, फटे हुए दूध से कभी मक्खन यानी घी नहीं प्राप्त हो सकता है। ठीक उसी तरह से हमें बात किसी बात के बिगड़ जाने से वो बात कितना भी उपाय करने के बावजूद वो बन नहीं पाती है। इसलिए रहीम कवि का कहना है कि हमें कोई भी चीज़ बिगड़ने के पहले उसे संभालने की चेष्टा करनी चाहिए, संभालने का प्रयास करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, कोई बात को बिगड़ने नहीं देना चाहिए, कोई बात को आगे क्रोध के रूप में प्रकट नहीं होने देना चाहिए, कोई बात बिगड़ने से पहले उसे संभालने की चेष्टा करनी चाहिए, उसे बनाने का प्रयास करना चाहिए बुद्धि से। कारण कि अगर कोई बात बिगड़ जाती है कोई बात, तो कितना भी उपाय करने के बावजूद वो बात बन नहीं पाती है। ठीक उसी तरह से जैसे दूध को, फटे हुए दूध को कितना भी हम मथते हैं तो उससे कदापि माखन नहीं निकल सकता, घी नहीं निकल सकता। नौवां श्लोक है कि रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, बड़ेन मने बड़ा, लघु मने छोटा, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तरवारी। तरवारी मीन्स तरवार, तलवार होता है स्वॉर्ड जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। तो अगला श्लोक कह रहा है कि रहीमन देख बड़ेन को, यानी रहीमन का मतलब कि रहीम कवि कहते हैं कोई बड़ी चीज़ को देखकर, बड़ी वस्तु को देखकर लघु न दीजिए डारी, डारी मैंने बिसार देना, त्याग देना। कोई बड़ी वस्तु को देख करके या कीमती वस्तु को देख करके साधारण सी छोटी वस्तु का त्याग नहीं कर देना चाहिए, इसलिए कि जहाँ काम आवे सुई, नीचे उदाहरण रहीम कवि ने प्रस्तुत किया है कि जहाँ काम आवे सुई, अगर कपड़े सिलना है तो वहाँ सुई की ज़रूरत होती है, छोटी सी सुई की आवश्यकता होती है, वहाँ अगर चमकता हुआ नया तलवार ही क्यों ना हो, वो तलवार से कपड़ा नहीं सिला जा सकता है। तो यही कह रहा है कि कोई भी बड़ी या कीमती वस्तु को देख कर के लघु माने छोटी सी मामूली सी वस्तु का हमें त्याग नहीं करना चाहिए। समय पर एक तिनका का भी उतना ही महत्व होता है। पूजा पाठ में हम लोग देखते हैं कि एक घास का कितना महत्व होता है, पूजा कराने वाले जो पंडित होते हैं, जो विद्वान होते हैं, जो पुजारी होते हैं, वो दूबे जो घास का ही एक रूप है उसकी मांग करते हैं और वो श्रेष्ठ समझा जाता है पूजा पाठ में। इसलिए रहीम कवि कहते हैं कि बड़ी वस्तु को देख करके छोटी वस्तु का त्याग नहीं करना चाहिए, इसलिए कि जहाँ सुई का काम है वहाँ तलवार कुछ काम नहीं कर सकता है। इसलिए हर चीज़ का, देयर इज ए टाइम फॉर एवरीथिंग, हर चीज़ का समय पर महत्व है, समय पर उसकी महत्ता है। सुई के जगह पर ना ही तलवार काम कर सकता है और न तलवार के जगह पर सुई। तो इसलिए रहीम कवि का कहना है कि कोई भी कीमती वस्तु को ही केवल अपनाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, केवल बड़ी वस्तु को ही नहीं अपनाना चाहिए और छोटी को बिसार नहीं देना चाहिए, बल्कि सबका एक महत्व है समय पर। इसलिए छोटी वस्तु का भी हमें उतना ही महत्व देना चाहिए जितना कि बड़े वस्तु को, बड़ी वस्तु का हम वैल्यू समझते हैं।
आगे देखिए, रहिमन निज संपत्ति बिना को न विपत्ति सहाय। आज की इस दुनिया में रहीम कवि का कहना है कि निज निज मने अपनी अपनी संपत्ति, अगर किसी व्यक्ति के पास कोई धन दौलत नहीं हो तो कोई न विपत्ति सहाय, विपत्ति में कोई सहायता करने के लिए तैयार नहीं होता है। जिस आदमी के पास पैसे नहीं होते उसको कोई कर्ज देने के लिए भी तैयार नहीं होता कि आखिर वो कर्ज कहाँ से लौटा पाएगा, उसके पास तो पैसा नहीं है, कंगाल है, उसको कोई कर्ज देने के लिए भी तैयार नहीं हो पाता है। इसलिए ये स्वार्थी दुनिया है। जैसे कि उदाहरण नीचे रहीम कवि ने प्रस्तुत किया है कि बिनु पानी ज्यों जलज को, जलज माने कमल, कमल को अगर पानी न मिले, बिनु पानी माने अगर पानी नहीं मिले, जल नहीं मिले तो नहीं रवि सके बचाए, तो रवि यानी सूरज भी बचा नहीं सकते हैं उस कमल को। कमल को, कमल जल से उत्पन्न होने वाला है, इसलिए उसका साइनोनिम्स जलज भी कहा जाता है। कमल जल में उत्पन्न होने वाला एक पौधा है, इसलिए बिना जल का वो उपज नहीं सकता, नहीं बढ़ सकता, नहीं जिंदा रह सकता। उसे सूरज का प्रकाश कितना भी क्यों न मिले, लेकिन वो कमल कभी भी प्रफुल्लित नहीं हो सकता है, ग्रोथ नहीं कर सकता है जब तक उसे पानी नहीं मिले, क्योंकि उसका उद्भव स्थान जो है जल है, जल से ही कमल उत्पन्न होता है। तो उसको सूरज भी चाह करके रक्षा नहीं कर सकते, उस कमल के पौधे को बचा नहीं सकते जब तक उसको जल नहीं मिलता है। तो ठीक उसी तरह से रहीम कवि का कहना है कि आज की स्वार्थी युग में जब तक किसी व्यक्ति के पास संपत्ति नहीं है, धन दौलत नहीं है, तो उसकी कोई भी सहायता करने के लिए तैयार नहीं होता है, क्योंकि स्वार्थी दुनिया है। अगर किसी की कोई सहायता करता है तो ऐसे बहुत अधिकांश आदमी होते हैं जो कोई ना कोई चेष्टा से किसी की सहायता करते हैं कि हमें भी कभी सहायता मिल जाएगी। निस्वार्थ भाव से इन्हें गिने चुने लोग ही होते हैं जो किसी की सहायता करते हैं निस्वार्थ भाव से। तो ये सेकेंड लास्ट का अर्थ ये हुआ कि जब तक व्यक्ति के पास धन दौलत नहीं हो तो कोई उसकी सहायता करने के लिए भी तैयार नहीं होता है। ठीक उसी तरह से जैसे कमल को बिना पानी का सूरज भी नहीं बचा सकता है, सूरज भी चाह करके कमल की रक्षा नहीं कर सकते अगर कमल को जल न मिले, ठीक उसी प्रकार आज के युग में मनुष्य के पास संपत्ति अर्थ का होना जरूरी है, तभी लोग सहायता करने के लिए तैयार होंगे। लास्ट दोहे का मतलब हम लोग आइए देखते हैं। रहीमन पानी राखिए, पानी का मतलब, एक पानी का मतलब जल हुआ और एक यहाँ पानी का मतलब इज्जत है, प्रतिष्ठा। रहीम कवि कहते हैं कि पानी राखिए बिनु पानी सब सुन, यानी जिस मनुष्य के पास इज्जत नहीं है, प्रतिष्ठा नहीं है, उसका जीवन सब कुछ सुन है, उसके पास सारा चीज़ धन होते हुए भी व्यर्थ है, बेकार है। पानी गए न उबरे, जिस व्यक्ति की प्रतिष्ठा इज्जत एक बार बर्बाद हो जाती है, जिस व्यक्ति के चरित्र पर एक बार व्यवहार पर दाग लग जाता है तो वो कभी उबरता नहीं है, कभी उसका जो है दाग छूटता नहीं है। मोती मानुष चून, यानी जिस प्रकार पानी के बिना, ठीक उसी तरह से जिस प्रकार बिना पानी के मोती की चमक चली जाती है, पर्ल्स माने मोती होता है, तो बिना पानी का मोती की कोई महत्ता नहीं होती है, बिना पानी का मोती की चमक जो है, झलक जो है समाप्त हो जाती है। ठीक उसी तरह से अगर किसी व्यक्ति की इज्जत प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाती है, व्यवहार खराब हो जाता है, तो सब कुछ धन दौलत उसका बेकार होता है, वो कभी भी वो उबरता नहीं है, यानी उसका दाग जो है कभी भी जीवन में छूटता नहीं है। इसलिए धन दौलत से अधिक महत्व रहीम कवि इज्जत प्रतिष्ठा को दे रहे हैं, व्यवहार को दे रहे हैं, बिहेवियर को दे रहे हैं, कि मनुष्य को अपना व्यवहार, इज्जत प्रतिष्ठा बिल्कुल ही बचा करके, संजो करके रखना चाहिए। जिस व्यक्ति का इज्जत प्रतिष्ठा एक बार बर्बाद हो जाता है, व्यवहार खराब हो जाता है, तो लोग उस पर विश्वास करना छोड़ देते हैं और वो जीवन भर उबरता नहीं है, यानी जीवन भर वो कितना भी पैसा रुपया क्यों न कमा ले, लेकिन इज्जत प्रतिष्ठा पैसे से कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता है, इज्जत प्रतिष्ठा नहीं मिल सकती है पैसे से। इसलिए रहीम कवि कहते हैं कि
अपने इज्जत प्रतिष्ठा की रक्षा हर मनुष्य को बहुत ही जान प्राण से भी अधिक अपने इज्जत प्रतिष्ठा का ख्याल रखना चाहिए। आदमी का व्यवहार अपने आप के व्यवहार को बनाकर रखना चाहिए, नहीं तो जिस तरह से पानी के बिना मोती की चमक जो है समाप्त हो जाती है, उसी तरह से जिस मनुष्य की मर्यादा प्रतिष्ठा इज्जत समाप्त हो जाती है, वो मनुष्य जो है जिंदा रह करके भी पशु के समान है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं पूरी आशा करता हूँ कि आप सबों को ये वीडियो पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। आप लोग कम से कम वीडियो को 2 से 3 बार अवश्य देखेंगे, समझेंगे, सुनेंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप सभी क्लास के दौरान पूछेंगे। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ, तब तक के लिए आप सबों को धन्यवाद।